चंद्रकांता, जलेश्वरी को हवेली लेकर जाओ। तो यही है अश्वत्थ पर्वत का वो गुफा। यहाँ पर अगर मैं तपस्या करूँगा तो मुझे मेरी सारी काली शक्तियाँ मिल जाएगी। ये असुर इस वक्त यहाँ और ये मुझे शंखचूड़ कहकर क्यों बुला रहा है? कुछ तो बात है। महाअमृत को पाने के लिए उत्तर को कुछ दिव्य मंदिरों से कुछ दिव्य मणि देने होंगे। अब तक खेल उन्होंने खेला, पर अब बारी मेरी है पलटवार करने का। अब मैं उस असुरों के बीच जाऊंगा और उनकी मौत का राज ढूंढ निकालूंगा। आज जाना कैसे क्या बात हो गई कि शंखचूड़ ने मुझे इतनी रात के जंगल में बुलाया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है? तुम्हें क्या लगा मैं डर गया? अरे मैं जानता हूं कि ये तुम हो शंखचूड़। अब बोलो तुम्हें क्या मौत आ गई कि तुम इतनी रात को यहाँ पर आए? मैंने आज तुम्हें यहाँ पर मजाक करने नहीं बुलाया था सर, तुम्हारे और बाकी आसुरों के भलाई के लिए ही बुलाया है। अरे बात क्या है वो तो मुझे बताओ। असुर लोक का दरवाजा खोल। क्या 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 मतलब? असुर लोक का दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें खोलने को कह रहा हूँ तो खोलो ना। हमारे असुर लोक का कुछ नियम है, हम बाहर के किसी ऐसे गैर को हमारे लोक पर नहीं ला सकते। तुम्हें इसके लिए जवाब देना होगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि शंखचूड़ को जवाब देना पसंद नहीं है? फिर भी कह ही देता हूँ क्योंकि तुम इतने ढीठ हो कि तुम ये दरवाजा खोलोगे ही नहीं। अरे ठीक है गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे ऊपर? गुस्सा क्यों हो रहा है तुम? गुस्सा नहीं करूँगा, तुम्हारा पूजा करूँगा। असुर बकवास कहीं का। अच्छा सुनो, असुर लोक का दरवाजा खोलो। मुझे असुर लोक इसलिए जाना है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ साथ उन सारे असुरों को सुरक्षित करना है। वो विशाल महामृत लेने गया है। वो इतना चालाक है कि अगर उसने वो महामृत को एक बार पान कर लिया ना तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और तुम सबको मार देगा। और महाअमृत के वार से तुम सबको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, काल सिद्धि की माया। काल सिद्धि? वो तो अर्जन करना बहुत कठिन है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें शायद पता नहीं है पर मैंने पाताल लोक में जाने के बाद काल सिद्धि प्राप्त की थी, तो मैं उसी सिद्धि से तुम सारे असुरों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाऊंगा और उस कवच से तुम सबको सुरक्षित करूंगा। तो इसीलिए असुर लोक का दरवाजा खोलो जल्द से जल्द। हाँ हाँ मैं भी खोलता हूँ। शंखचूड़ अब बात मत करना वरना मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस दरवाजे को खोलना है। एक रत्ता क्रम क्रम असुर लोकम द्वारम प्रकटम स्वाहा। तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने जो योजना बनाया था वो बिल्कुल सही सही चल रहा है। अब मैं शंखचूड़ का रूप लेकर उस असुर लोक में प्रवेश करूंगा और तुम जो सबसे कमजोर असुर है उसे अपना मोहरा बनाऊंगा और उससे तुम सब मौत का राज ढूंढ निकालूंगा। महाभारत के युद्ध जीतने के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर को भी अश्वत्थामा की मौत का झूठी खबर फैलानी पड़ी थी और अगर धरती को बचाने के लिए मुझे किसी असुर से भी धोखा करना पड़े तो मैं करूँगा, धोखे से ही विजय हासिल करूँगा।
असुर लोक का दरवाजा मैंने खोल दिया है शंकर, अब तुम इसके अंदर जा सकते हो। जाओ शंकर, पहले तुम जाओ फिर मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ पहले। लो अब जल्दी से आ जाओ, इससे पहले ये द्वार बंद हो जाए। शायद मैं ही वो पहला नाग हूँ जो असुर लोक में प्रवेश कर रहा है। शेतनाग, आप और मैं नागलोक के नाग वैद्य सबसे पुराने नाग हैं हम दोनों। पर हम दोनों के अलावा भी एक और नागिन है जो सबसे ज़्यादा पुरानी है, और वो है जलेश्वरी। हम दोनों की तरह ही वो भी उस सत्ययुग से ही जिंदा है। हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ नाग वैद्य, पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जलेश्वरी अब शायद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। वो तो अमर भी नहीं है, इसलिए प्रकृति के परे भी नहीं। आप ये क्या कह रहे हो नाग वैद्य? पर ऐसा कैसे? जलेश्वरी के कोख में शंखचूड़ का अंश है, और शंखचूड़ का अंश उससे भी ज्यादा काली शक्ति है, इसलिए वो यहाँ पर आया है जलेश्वरी की मौत बनके। हो सकता है शंखचूड़ के बच्चे को पैदा करते करते ही जलेश्वरी की मौत हो जाए। पर इसे क्या किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता? हाँ एक चीज है जो इस अनहोनी को होने से रोक सकता है। वो क्या चीज है? आप तो नाग वैद्य हो, आप जानते होंगे। हाँ वो है महाअमृत जो सिर्फ जलेश्वरी की जीवन दान कर सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि नागराज विशाल के सिवा कोई भी महाअमृत को नहीं ला सकता। पर प्रश्न ये है कि विशाल इस वक्त कहाँ है? अगर तुम्हें नहीं पता तो जाओ विशाल को जाकर ढूंढो और महाअमृत लाने की व्यवस्था करो, वरना जलेश्वरी को नहीं बचा पाओगे। लो शंखचूड़, हम आ गए असुर लोक। अच्छा यही है असुर लोक, यहाँ पर मुझे मेरा काम जल्दी से खत्म करके जाना होगा। स्वागत है आपका कालनाग शंखचूड़, आपका असुर लोक में स्वागत है। असली खेल अब शुरू होगा। बताइए शंखचूड़, किस हेतु से आप आए हैं यहाँ? तुम असुरों ने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया, अतलासुर ने मुझे असुर लोक ले आया। फिर भी मेरे मन में एक बात है, वो अगर ना कहो तो मुझे हजम नहीं हो। बताइए शंखचूर, क्या है बात है आपके मन में? ये असुर लोक बहुत काली है और बहुत दुर्गंध वाली है, बिल्कुल तुम सबके हृदय की तरह। ओ माफ करना, तुम सबके पास तो हृदय ही नहीं है। एक बात कहूँ शंखचूर, तुम मजाक बहुत अच्छे करते हो। हाँ मूर्खो तुम, मतलब सुर बहुत बड़ा मूर्खो तुम। अच्छा मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, जिस काम को पूरा करने यहाँ कर रहा हो तो वो काम मैं करूँगा और फिर चला जाऊँगा। तो बताओ तुम असुरों में से सबसे कमज़ोर असुर कौन है? सबसे कमज़ोर इनमें से तो मैं ही हूँ, क्यों? तुम्हारा शरीर देख के तो नहीं लगता कि तुम कमज़ोर हो। हाँ मैं कमज़ोर हूँ पर शरीर से नहीं। हाँ विशाल यही है तेरा मोहरा, चल काम शुरू करते हैं। मुझे इसे एकांत में कुछ बात करनी है। एकांत में बात कर लेना, पर क्या तुम हम सबको कोई कवच नहीं दोगे? हाँ हम सबको पहले कवच दो ना। अरे हाँ तुम ना लालची के लालची ही रहोगे,
तुम सबको कवच दूंगा, पर सबसे पहले ये सबसे ज्यादा कमजोर है तो इसे पहले कवच दूंगा, तो तुम दोनों जाओ। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम सबसे कमजोर असुर हो, इसलिए बाकी असुर तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं। ये खुद का हक तो छीन लेते हैं, पर तुम्हें तुम्हारा हक कभी नहीं देते, क्यों है ना? हाँ, पर तुम तो इनके दोस्त हो ना? नहीं, अतलासुर से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। क्यों, अतलासुर ने क्या कहा तुम्हारे साथ? वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले तो इन सारे असुरों के मौत का राज तुम्हें मुझे बताना होगा। अतलासुर के सिवा सारे असुर, बल्कि मेरी भी मौत सिर्फ रेणुका ज्वालामुखी की लावा से ही हो सकती है, और मुझे जितना पता है कालक्रिया भी वही होगा। और सच कहो तो अतलासुर का मौत का राज किसी मंदिर में छुपा हुआ है तुम्हारे मनुष्य लोक में, वो मुझे नहीं पता कि कहाँ है, पर मैं तुम्हें विश्वास कर सकता हूँ ना? तुम मुझे विश्वास कर सकते हो? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, बल्कि तुमने तो आज मेरी मदद की है, मुझे उन असुरों के मौत का राज बताया है, इसलिए आज मैं तुम्हें कवच दूंगा जो तुम्हें उन असुरों से और उस विशाल से बचाएगा। तुम्हारा शुक्रिया शंखचूड़। पर हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या सौदा हुआ है। आज तुमने मेरी रक्षा की है, वरना बाकी दो असुरों की तरह वो मुझे भी मार देते, इसलिए मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा शंखचूर, बाकी असुरों को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया, तो अब चलो उन सब के सामने जाकर फिर से नाटक करते हैं। तुम उन्हें कोई कवच तो नहीं देने वाले हो ना? चिंता मत करो, मैं उन्हें कोई कवच नहीं देने वाला, अगर उन्हें कवच दे दिया तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? जैसे उसने मुझे तड़पाया है, मैं भी उस अतलासुर को तड़पाना चाहता हूँ। इन सबको लगता है कि मैं इन्हें कोई कवच देने वाला हूँ, पर नहीं, मैं इनकी जीवन शक्तियाँ इस माया के द्वारा इनसे छीन रहा हूँ, और ना ही मैंने उस असुर को कोई कवच दिया है। मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, तो मैं फिर से लौट जाता हूँ मनुष्य लोक में। ठीक है शंखचूर, सावधानी से जाना। अतलासुर मेरे साथ चलोगे? क्योंकि किसी भी असुर के सिवा ना कोई असुर लोक में प्रवेश कर सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, तो तुम मुझे चलो और मुझे यहाँ से ले चलो, ठीक है? चलो। अमरीश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जलेश्वरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, विशाल महाअमृत लेकर आता ही होगा। शिवनाथ, बहुत खतरा आने वाला है हमारे ऊपर। क्यों, क्या हुआ? गिद्धों ने वार कर दिया है हवेली पर। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, गिद्धों ने तो हमसे वादा किया था। वो वादा रखने वाले नहीं तोड़ने वाले हैं शिवनाथ, जल्दी जाइए, रक्षा कीजिए हमारी। नहीं शिवनाथ, मैं जाता हूँ। नहीं अमरीश, तुम जलेश्वरी के पास रुको, अगर मेरी रक्षण होना है तो वो मुझे भोलेनाथ करे। अतलासुर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि
काल क्रिया जो होने वाला है वो किस जगह पर होने वाला है? आज तुम्हारे प्रश्न और तुम्हारे काम को देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है शंकर, पर अगर तुमने पूछा है तो फिर भी मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। रेणुका ज्वालामुखी के ऊपर हम सब काल क्रिया संपन्न करेंगे। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। रेणुका पर्वत की ज्वालामुखी में ही तो उन सारे असुरों की मौत हो सकती है। बहुत अच्छा। क्या सोच रहे हो शंखचूर? नहीं कुछ नहीं। तुम्हें आज क्या हुआ है सच सच बताओ तो शंखचूर। खैर छोड़ो, तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ तुम तो बताओगे नहीं। ठीक है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं भी जाता हूँ। काल क्रिया वाले दिन मिलते हैं। मतलब सुर, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, सच सच बताना है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें उन नागलोक वासियों को बख्श देना है तो तुम बदले में क्या लोगे? ये कैसी सवाल है? सीधी बात है, विशाल को हमारे हवाले कर देंगे वो सब, और मैं उन सबको छोड़ दूंगा। वो ही तो हमारा दुश्मन है ना। खैर छोड़ो, मैं भी जाता हूँ, काल क्रिया वाले दिन मिलते हैं। हाँ आ जाना। सच ही तो कहा अतलासुर ने, अगर मैं ये जंग लड़ना ही छोड़ दूं तो वो सबको बख्श देगा। शायद मुझे पता है कि आगे क्या करना है। हम नाग और तुम गिद्धों के बीच क्या फैसला हुआ था कि हम ना तो एक दूसरे के रास्ते जाएंगे और ना ही ऊपर वार करेंगे, तो हम गिद्ध कौन सा हमारा वादा रखते हैं? हाँ पता है, पिछली बार भी तुम लोगों ने वादा नहीं रखा था और शांतनु के हाथों मारे गए थे, पर अब शांतनु तो यहाँ पर नहीं है ना, और वो विशाल भी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर आज मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं जलेश्वरी को ले जाने आया हूँ, क्योंकि शंखचूर जो कालनाग है उसका अंश जलेश्वरी के कोख में है, और जब तक वो उसे पैदा नहीं कर देती वो हमारे कैद में रहेगी, और जब उसकी संतान पैदा हो जाएगा तब हम उसे मारकर खा जाएंगे। जलेश्वरी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा, मुझे लांगना होगा। शेतनाग से क्या युद्ध कर रहे हो? मुझसे युद्ध कराओ। हाँ तुम्हारी ही जरूरत थी विशाल, तुम आ गए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और बताओ जलेश्वरी के बदले क्या लोगे? कुछ नहीं, बस तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम खत्म होंगे तो ये जंग भी खत्म हो जाएगा और सब बच जाएंगे। वो गिद्ध यहाँ पर किस लिए आया था? तुमने तो सुना, पर तुम बताओ तुम 8 दिन से कहाँ थे विशाल? क्या 8 दिन? कैसे हो ये हो सकता है शेतनाग? मैं तो कल शाम को ही असुर लोग गया था और अब 8 घंटे के बाद यहाँ पर मैं लौट रहा हूँ, तो 8 दिन कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ का 8 दिन असुर लोग का 8 घंटे का समान है। क्या सोच क्या रहे हो तुम विशाल? मैं यही सोच रहा हूँ शेतनाग, उस गिद्ध ने तो सही कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पहले नागमणि का रक्षक बनाया गया, महाअमृत की रक्षा के लिए भी मुझे ही चुना गया, तो अगर मैं इन सब की रक्षा करना छोड़ दूँ तो सबकी जान बख्श देंगे वो असुर और वो गिद्ध। तुम्हारी बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही विशाल, तुम क्या सोच रहे हो साफ साफ बताओ। यही कि मैं अपने आप को उन असुरों के हवाले कर दूंगा।
झूल लौट आया है, पहले से अधिक शक्तिशाली बन गया।